डियर स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास नाइन्थ एंट्रेंस के बच्चों के लिए मैथमेटिक्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर के सवाल लेकर हाजिर हुआ। नाइन्थ एंट्रेंस मैथमेटिक्स चैप्टर है मेंसुरेशन, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं और हर साल इससे सवालात भी आते हैं। इस वजह से इस चैप्टर के हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल बनाए। इस चैप्टर से हर साल करीब करीब 5 से 6 सवाल पूछे जाते हैं। इस वजह से आप इस चैप्टर के तमाम एक्सरसाइज को करने की कोशिश करिएगा और इसके आंसर्स आखिर में दिए हुए हैं उससे मिलाकर देखिए कि आप कितने सवाल को सही कर पाते हैं। तो ये है सवाल नंबर 1, द कर्व्ड सरफेस एरियाज ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 cm इन इज 88 cm स्क्वायर, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। ए ऑप्शन में 2 cm, बी 3 cm, सी 1 cm, डी 1.5 cm। इस तरह से आप देख रहे हैं इस तरह के सवाल आते हैं। सवाल नंबर 2, अब आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, इस तरह से ये सवाल आते हैं, इसके 4 ऑप्शन और आखिर में सबके आंसर्स भी हमने दे रखे हैं। आप उस पे पहले आप बना लीजिए ईमानदारी से और फिर आप आंसर को देखिएगा। आपको अंदाजा भी हो जाएगा कि आप कितने सवाल उसमें सही कर पा रहे हैं। ये बिल्कुल इसी पैटर्न पे सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए और आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर वेयर सरफेस एरिया इज 154 cm स्क्वायर। इस तरह से देख रहे हैं, ये 4 ऑप्शन दिए हुए। क्वेश्चन नंबर 6, 7th ऑफ इन सवालों के जवाब खुद से निकालने की कोशिश करिए या ट्यूटर की मदद से इसे सीखने की कोशिश करिए या किसी और जहां आप कोचिंग में पढ़ते हैं वहां पे इसे पूछिए। पहले तो आप करिए, जो सवाल आपसे हल हो जा रहे हैं ठीक है, जो सवाल हल नहीं हो रहे हैं तो फिर अपने जहां अगर आप घर पे ट्यूटर से पढ़ते हैं उनसे मदद लीजिए या कोचिंग में अगर आप पढ़ते हैं तो वहाँ कोचिंग में भी मदद लीजिए और इस तरह से इन सवालों को हल करने की आप कोशिश ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये बेहद इम्पोर्टेंट सवालात हैं। अब आइए देखते हैं 8 और 9। और फिर अब इसके आगे देखेंगे सवाल नंबर 10। इसी तरह से ये देख रहे हैं सवाल नंबर 11। ये सारे सवाल मेंसुरेशन के ही हैं। इसके बाद हम इस चैप्टर के कुछ और भी सवाल आपको देंगे क्योंकि ये बेहद इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। कोशिश तो मैंने यही की है कि आप लोगों को जो भी मटेरियल दूं अच्छा दूं, लेकिन आप इसे पढ़ें तभी हमारी भी मेहनत कामयाब होगी। क्योंकि इन सब सवालात आपके सामने रखने का मकसद ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, आपको फ़ायदा हो, आप कंपटीशन क्वालिफाई करें, अपने मकसद में कामयाब हो।
अगर नहीं पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि मेरी भी मेहनत रायगां जाएगी, इस वजह से इसे आप पढ़ने की कोशिश करें। आगे देखिए, सवाल नंबर 13, सवाल नंबर 14। द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज 64 cm³, फाइंड द सरफेस एरिया। इस तरह से ये नीचे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, 64 cm², 96 cm², 40 cm² एंड 108 cm². आप खुद बनाकर देखिए कि क्या इसका आंसर होगा। आइए अब आगे देखते हैं, सवाल नंबर 15। अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर 22 cm लॉन्ग एंड 12 cm ब्रॉड इज रोल्ड अलोंग इट्स लेंथ टू फॉर्म ऑफ सिलेंडर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सो फॉर्म्ड। 452 cm², 472 cm², 462 cm², 482 cm². इस तरह से आप देख रहे हैं ये सारे सवाल। सवाल नंबर 16, 17, सवाल नंबर 18, ये सारे इस तरह के ही सवालात टेस्ट में पूछे भी जाते हैं। सवाल नंबर 18 देखिए, द मटेरियल ऑफ कोन इज कन्वर्टेड इनटू द शेप ऑफ द सिलेंडर ऑफ इक्वल रेडियस। इफ हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 5 cm, द हाइट ऑफ कोन इज। अब इसके चार ऑप्शन दिए हुए हैं, 10 cm, 15 cm, 18 cm, 24 cm। आइए आगे देखते हैं, यानी कुल टोटल इसमें 20 सवाल है, 20 सवाल। सवाल नंबर 19, आप ये देख रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब्स इफ साइड इज RCM, ए स्क्वायर, बी 6a², सी 4a², डी 3a². उसी तरह से लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर। पाई आर स्क्वायर, 2πr², 3πr² और नन। इन सब के यहाँ पे आंसर्स भी दिए हुए हैं, पहले तो आप उनको बनाने की कोशिश करिए और फिर आंसर में मिलाकर देखिए कि आपने इन 20 में से कितने सवाल सही किए हैं, आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, आपको यकीन भी होगा कि हाँ हम इतने सवाल सही कर ले रहे हैं, तो आपका मनोबल भी बढ़ेगा और आपको हर तरह से फायदा पहुंचेगा। उम्मीद है कि ये सवाल आपको काफी पसंद आएंगे, तो आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें और घर बैठे हर क्लासेस की रेगुलर और कॉम्पिटिटिव कोचिंग का लुत्फ उठाएं और आनंद लें। थैंक यू वेरी